क्या माने? घर का काम अधूरा छोड़ो मगर पड़ोसियों से मेल मिलाप बढ़ाओ। हैं? नहीं, मैंने वो बाल्टी नहीं रखी वहां पे। बस कर, हर बात में बहस जरूरी है। अपनी गलती मान ले और सुधार ले। अब्बा जी, ठीक नहीं किया आपने। जब मैंने वो सीडी वाली बात कही थी तो आपको समझ जाना चाहिए था ना कि मोना अपनी मम्मी जी से मिलने जा रही है। क्या जरूरत थी? कम परेशानियां है जो ये नया बखेड़ा खड़ा कर दिया उसने। लेकिन उसका मम्मी जी से मिलना बहुत जरूरी था अम्बा जी। आपको पता है मम्मी जी कितना परेशान है उसके लिए? उन्हें भी तो घर के हालात पता चलने चाहिए ना। लेकिन आपने मोना की मदद करने के बजाय उसे डांट लगा दी। कितना बुरा लगा होगा उसे। नमक ज्यादा हो गया क्या? क्या हुआ मासी? जानबूझ के तूने ऐसा किया ना? तू चाहती थी ना कि मैं ये खिचड़ी खाऊं और मैं मर जाऊं? टंकी इधर आ। ए अजो, क्या हुआ? ये देख तेरी बहू ने क्या किया, देख। अरे अगर इसे मेहमानों का आना जाना पसंद नहीं है घर में तो मुझे बता दिया होता ना कि मैं अस्पताल में जांच करवा लेती। मैं धर्मशाला में रुक जाती। कम से कम मैं यहाँ पे बेइज्जत होने से तो बचती। मासी जी, पर मैंने किया क्या है? ये इसको मना किया था मैंने। मैंने कहा था मूंगफली मत डाल तू साबुदाने की खिचड़ी में, फिर भी उसे डाली। ताकि मुझे दिखे नहीं और मैं खा लूं और पहुंच जाऊं ऊपर। इससे मूंगफली खाने से मुझे ये सांस फूल जाती है, दाने निकल आते हैं मुझे ये। और ये सब मैंने कहा था तुझे गुजराती में। गुजराती समझ में आती है कि नहीं तुझे? पता नहीं किस घर से आई है ये। माँ बाप ने क्या संस्कार दिए हैं इसे। देखिए मासी जी, बहुत हो गया। मेरे माँ बाप को आप बीच बीच में बार बार मत घसीटा कीजिए। उन्होंने कुछ नहीं किया, उनका क्या कसूर है? जितनी गाली आपको देनी है आप मुझे दे लीजिए, पर प्लीज मेरे माँ बाप के लिए कुछ मत बोलिए। तो मुझे आंखें दिखाएगी? हाँ, क्या गलत काम मैंने? जो होता मैं। हाँ, जो। आई पापी, कोई सामान लेकर आया है? कुछ सामान मंगवाया था क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं। मैंने तो किसी को नहीं बुलाया था। अरे मोना दीदी। अरे अरे, किधर घुसा जा रहा है? रुक 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 इधर। ये तो दुकान का लड़का है, यहाँ क्या कर रहा है? ए छोकरे, क्या है? अरे मोना दीदी, हमारी दुकान का ही है, दुकान पे ही काम करता है। तूने कुछ मंगाया? नहीं, मोना दीदी ने कुछ नहीं मंगाया। मैं घर पे गया था, वहाँ ताला लगा था तो मैंने सोचा सामान यहाँ देता चलूं। किस घर में सामान देने आया था तू? सामने वाले घर में। और कौन से घर में? सामने वाले घर में कोई नहीं है तो उनका सामान तू यहाँ पे क्यों छोड़ने आया? मैं मोना दीदी और भैया जी की दुकान पे काम करता हूँ, वहीं से सामान लेके आया हूँ। अब घर पे कोई नहीं था ना तो सामान यही दूंगा ना, और कहाँ जाऊंगा? मोना और करण की दुकान का सामान तो सामने वाले के घर में क्यों देगा? मैं समझाता हूँ। मोना दीदी के पिताजी ने सामान भिजवाया है और ये दोनों घर भी तो मोना दीदी के हैं। बस एक ससुराल और एक महका है। भैया जी, ये सामान लो आप, स्वीटी दीदी को दे देना, मैं चलता हूँ दुकान।